हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, जो कि मैं बिस्किट से बनाऊँगी। जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं, खाते हैं बिस्किट, उसी से ही ये केक बनेगा। और देखिए कितना फ्लॉपी और सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बिल्कुल बनता है ये। और उसको मैंने थोड़ा सा सजा लिया है चॉकलेट सिरप एंड कैरामल डेकोरेशन से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिस्किट केक बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ बॉर्बन ओरियो एंड टाइगर बिस्किट्स। एक ग्राइंडर जार में हम बिस्किट को इसी तरह पीसेस कर लेंगे। क्रीम आप चाहो तो उसके बीच वाला जो क्रीम है उसको आप निकाल सकते हो या फिर रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ को इस पे सब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये बोर्बन बिस्किट है, आपके पास अगर जो भी चॉकलेटी वाला जो भी बिस्किट है वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइगर ले रही हूँ, ओरियो ले रही हूँ एंड बोर्बन बिस्किट ले रही हूँ। इसको टुकड़ों में बस ऐसे कर लेंगे। इस ओरियो बिस्किट का भी क्रीम निकाल कर इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। इसके बाद इसको अच्छी तरह से फाइन करके पीस लेंगे। देखिए पूरा फाइन हो गया है ये। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। कुछ लम्स रहना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा करके, ये कच्चा दूध है इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बस आधा ग्लास दूध लगा यहाँ पे मुझे। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा पतला नहीं है। देखिए एक थिक बैटर जैसा बन गया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनो एक चम्मच, या फिर आप एक सच्चट इनो यूज़ कर सकते हो। इनो डालने से बहुत अच्छा फूलता है केक। इनो डालने के बाद आप एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है आपको एरिएशन के लिए। और इनो डालने से वो फूलना स्टार्ट हो, कितना फ्लफी हो गया है आप देख सकते हो, क्योंकि ये इनो डालने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, इसलिए देखिए ये कितना फ्लफी हो गया पहले से। अगर इनो आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को मिक्स करके डाल सकते हो। हमारा केक का बैटर रेडी है। मैं एक टिफ़िन यूज़ कर रही हूँ स्टील का। आपके पास जो भी यूटेंसिल्स है उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करके इस तरह फैला लीजिए। अगर बटर पेपर है तो नीचे बटर पेपर को आप डाल सकते हो, उससे केक चिपकता नहीं नीचे ये सब करने से। और केक का बैटर पोर कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स अंदर ना रहे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को सजा लेंगे। अगर आपको केक बर्थडे के लिए या फिर कुछ और ओकेजन के लिए बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स बीच में डाल सकते हो आप बैटर पे। और प्रेशर कुकर को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया है, 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम में इसको प्रीहीट करना है। अंदर मैंने नमक डाला है, ये नमक जो है मैंने पहले से यूज़ किया था इसलिए कलर चेंज है इसका। और एक स्टैंड नीचे रख लेंगे और केक टिन को उसके ऊपर रख लेंगे। आप कढ़ाई पे भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरह से वो कवर होना चाहिए। केक टिन को अंदर रखने के बाद आप इसको लीड को कवर कर दीजिए, लेकिन गैस्केट और व्हिसल इसका निकालना पड़ेगा। निकाल के इसको कवर कर दीजिए। 35 मिनट तक ये बेक होगा। यहाँ पे मुझे 35 मिनट्स लगा, हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगे। देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से फूल भी गया है। इसको चेक कर लेंगे, बीच में से अगर कच्चा हो तो पता लगेगा हमको, फिर 5 मिनट बेक करेंगे। देखिए नहीं, ये बेक हो गया है, नाइफ साफ निकला। तो केक हमारा पूरा रेडी है। आप ना जब भी केक बेक करो प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई पे, उसको बार बार चेक मत कीजिए। पूरा आधा घंटा के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उसको आप चेक करिए, नहीं तो वो अच्छी तरह से राइज नहीं हो पाता है।
देखिए हमारा केक हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और उसको प्लेट पर निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल भी जाता है इस तरह टैप करने से। हमारा केक कितना अच्छा और स्पंजी बना है आप देख सकते हो। इसके अंदर आप व्हाइट चॉकलेट हो उसको मेल्ट करके आप केक को दो पार्ट में डिवाइड करके बीच में स्टॉपिंग के जैसा दे सकते हो व्हाइट चॉकलेट, या फिर ऊपर डार्क चॉकलेट, जैसे भी आप सजाना चाहो सजा सकते हो, जेम्स के साथ भी सजा सकते हो। मैंने कुछ इस तरह डेकोरेट किया था, कैरमल डेकोरेशन। आप देख सकते हो उसका पीस भी कितना अच्छा दिख रहा है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।